नमस्कार, मैं हूं राजा तिवारी, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। आज हमारे साथ हरपुर पंचायत के मुखिया पति हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनके पंचायत के बहुत सारे वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 12 के ग्रामीणों का कहना था कि हमारे वार्ड में विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है, हमारा वार्ड चयनित है 2 नंबर और 12 नंबर, फिर भी हमारे वार्ड में विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस पर मुखिया जी का क्या कहना है, क्या कहना है आपका? हरपुर पंचायत में वार्ड नंबर 2 चयनित है, 12 नंबर वार्ड चयनित नहीं है। पैसा डालने का मुख्य कारण है कि जो हमारे पंचायत में मास्टर का बहाली जो जा रहा है, बहाली उपलब्ध इसमें 7 माह से हमारा खाता बंद, अभी तक मेरा पंचायत का पूरा खाता बंद है। इस चलते हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे और वहाँ के जो मेरे विपक्षी प्रत्याशी थे वो हमको कोर्ट से केस किए हैं। वो बोल रहे हैं बार बार जब तक हम कोर्ट से हमारा डिग्री हो जाएगा तब कर्नौल में काम लगेगा, नहीं तो वहाँ हम काम नहीं होने देंगे। और जब भी हम लोग जाते हैं ग्राम में, कर्नौल गांव में, तो उदंड बोलते हैं, वहाँ के 2-4 लड़कुआ लोग हैं, गाड़ी गलौज करते हैं, कहते हैं कि जब तक कोर्ट से डिसीजन आ जाएगा तो उसके बाद हमारा कर्नौल गांव में काम लगेगा। और रह गया 12 नंबर वार्ड, अभी चयनित नहीं हुआ है, इसका पूरा हमारे पास उसका सबूत है, इसलिए लोग बदनाम कर रहे हैं। खाता हमारा खुलेगा तो 2 नंबर वार्ड में हम पैसा डालेंगे। अभी तक हमारा पंचायत में 7 माह से खाता बंद है, जब खाते बंद है एक हम कहाँ से पैसा डालेंगे। अच्छा, कुछ ग्रामीणों का कहना था वहाँ पे कि मुखिया जी का कहना है कि हमारे कर्नौल गांव से कोई भी वोट उनको नहीं मिला है, इसके वजह से वो हमारे कर्नौल गांव में विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, गली नली पक्कीकरण का नहीं कर रहे, तो ये इसका खुलासा करें, ये बात क्या है? इससे बात ये जो भ्रष्ट प्रत्याशी होगा, जो प्रतिनिधि होगा, वही कहेगा कि हमको वोट कहाँ मिला है कहाँ नहीं मिला। जो जीतने के बाद हर गांव हर आदमी एक बराबर होता है, जब तक वोट चुनाव रहता है उसके बाद विपक्ष रहता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो पूरा पंचायत एक हो जाता है। कहाँ वोट मिला है कहाँ नहीं मिला, ये सब गलत है। वहाँ का लोग उदंड है, और खास करके वहाँ फॉरवर्ड क्लास के जो 2-4 आदमी है उदंड है, वो हमको बराबर धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं कि वहाँ काम नहीं होने देंगे। हम कोर्ट में केस किए हैं, हमारा तुरंत डिसीजन आ जाएगा, हम मुखिया बन जाएंगे, तो उसके बाद कर्नौल में काम लगेगा। लेकिन हमारा तो हर जगह काम चल रहा है, 1 नंबर भी काम, 1 नंबर पंचायत में काम, वार्ड में शुरू काम है। और मेन मुख्य मुद्दा है कि हमारे पंचायत के जो खाता था, खाता मास्टर को बहाली चलते बंद था, और खाता हमको सोमवार को खुलेगा, मतलब 15 जनवरी को हमारा खाता खुलेगा, उसके बाद पूरा पंचायत में काम चलेगा। लेकिन वहाँ उदंड है, उदंड कुछ आदमी हैं जो देखिए अभी आपका TV पर उस दिन अरे तरह लोग मुखिया का अरे तरह बोल रहे हैं, भाई जहाँ जिस गाँव में लोग अरे तरह कर रहे हैं TV पर, वहाँ हम लोग जाएंगे तो क्या बोले, हम भी तो क्या के मार देंगे, कर देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, वहाँ हमेशा उदंड ही लोग करते हैं, इसी चलते वहाँ दिक्कत है। हम पैसा डालेंगे, हमको तो काम करना, जब मुख्यमंत्री जी का जो योजना है तो योजना में तो हर तरह से काम करेंगे, थोड़े कि हम अपना मर्जी से चलेंगे। सरकार का देश है, जनप्रतिनिधि जी, सरकार का जो निर्णय होगा उस हम मान्य है, हम काम करेंगे। लेकिन अभी हमारा खाता बंद है, चलते काम नहीं हो रहा है, पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। खाता हमारा 15 तारीख को खुल जाएगा, उसमें काम करेंगे। आप 12 नंबर वार्ड चयनित नहीं हुआ है, गलत मैसेज दे रहे हैं। आज जो 12 नंबर वार्ड के जो सचिव है वही पूरा पंचायत को परेशान कर रहे हैं, और इधर उधर उल्टा सिखा कर पूरा पंचायत को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 15 तारीख को खाता खुल जाएगा, उसके बाद हम पैसा 2 नंबर वार्ड में डाल देंगे। लेकिन 2 नंबर 1 नंबर सब में डालेंगे, लेकिन 12 नंबर वार्ड अभी चयनित नहीं हुआ है, किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में पैसा नहीं डाल रहा है? इसका देखिए लोग परेशान कर रहे हैं, इसका भी आप लोग थोड़ा देखिए कि वहाँ परेशान लोग किया जा रहा है। मान लो चुनाव होता है, चुनाव में पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन वहाँ लोग दबंगई से पूरा गांव में वोट कैप्चरिंग करके वहाँ लोग वोट दिए, उसके बावजूद वो हार गए। हम ईमानदारी से हमारा हर वार्ड में वोट मिला, उसके बाद ही हम बोलेंगे ना हमारे लिए सब एक समान है। लेकिन वहाँ के लोग उदंड, और खास करके वहाँ के फॉरवर्ड लोग जो हैं 2-4-5 आदमी वही परेशान कर रहे हैं, और पूरा गाँव ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम पैसा डालेंगे। जैसा कि आपने देखा हमारी बात हो रही थी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से, इनका कहना यह है कि जो ग्रामीणों द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे 12 नंबर वार्ड में कार्य विकास कार्य इसलिए नहीं हो रहा है
क्योंकि मुखिया जी को हमारे गांव से वोट नहीं मिला है, मुखिया जी नहीं कर रहे, ये ग्रामीणों का कहना था। लेकिन मुखिया जी के कहने के हिसाब से 12 नंबर वार्ड की जनता और इनमें कुछ आपसी विवाद होने के कारण उनका ऐसा कहना है, और हकीकत यह है कि अभी वो वार्ड चयनित नहीं हुआ है। मुखिया जी ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, वो वार्ड अभी चयनित नहीं हुआ है। चयनित होगा तो हम खुद सब में काम कर रहे हैं, चूँकि हमें जनप्रतिनिधि है, हमारा विकास कार्य करना हमारा फर्ज बनता है। आपका ये हमारा नाम सुनील कुमार हुआ। अच्छा अच्छा। वहाँ पत्नी मेरी मुखिया है इंदी देवी, और खास करके है PAT से वहाँ 70 लाख का नल जल का काम हो चुका है। अभी मात्र 3-4 माह पहले वहाँ 70 लाख का PAT द्वारा नल जल का काम हो चुका है। तो दोबारा तो एक मान लीजिए पहले से नल जल का काम हो गया, फिर वहाँ पर तो हम नहीं कराएंगे, गली नली काम हुआ हो देखिए। और एक समान हमारे पास कोई जाति पाति कोई नहीं है। अभी कार्ड है कि हम लोग जिस जहाँ जिस कप में चाय के जहाँ लोग मुसहर जाति जो महापुरुष हैं वही बेचारे साथे बैठाते हैं। हमारे पास कोई जाति या कोई गांव वाला कोई गलत नहीं। मुखिया जी, आप हमारे सभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्रामीण वासियों को और शहर वासियों को नए साल और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? नए साल में चाहेंगे कि पूरा हमारा पंचायत हो, स्वच्छ बिहार स्वच्छ हमारे अच्छा से काम हो, और पूरा पंचायत पूरा बढ़ने पर 10 साल नए साल अच्छे से गुजरे।